हाँ, तो आज वी विल डू समथिंग डिफरेंट। एंड जैसा मैंने बोला था कि आर मोस्टली डू बी एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स एंड टॉपिक्स दैट आई लाइक डू इट एंड मेकिंग वीडियोस ऑन। उनमें से एक है क्राइम डॉक्यूमेंट्री। आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम पॉडकास्ट सुनने में, तो मुझे बहुत मजा आता है। मैंने सोचा कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट कवरिंग सम केसेस टू जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है या फिर जिसमें मुझे बहुत मजा आया था सुनने में या पढ़ने में। सो जस्ट टू बी क्लियर, आई वोंट बी टर्निंग दिस चैनल इनटू अ फुल क्राइम बेस्ड चैनल। दिस इज जस्ट मे बी अनदर सेगमेंट ऑफ द चैनल। इफ दिस गेट्स टू गुड आई जस्ट माइट ओपन अ न्यू चैनल फॉर द सेम इन द फ्यूचर। तो आज हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोस्ट प्रोबेबली अबाउट द यंगेस्ट सीरियल किलर द वर्ल्ड हैज। अराउंड सम टाइम इन 2006 बिहार के बेगूसराय जिले में मुसहरी गांव था। वहां पे एक गरीब फैमिली रहती थी जिसमें पति पत्नी उनकी छोटी बेटी और 7 साल का एक बेटा रहता था। उनके घर के पास इनके छोटे भाई का भी घर था जिसमें उनकी 6 साल की एक छोटी बेटी रहती थी। तो हुआ ये कि उनके छोटे भाई की जो 6 साल की बेटी थी वो गायब हो गई। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये बात रिपोर्ट भी नहीं करी पुलिस में, और हमें पता चलेगा क्यों नहीं करी। लाइक द पीपल इन द विलेज न्यू कि वो बच्ची गायब हुई है। हाउ डू दे नॉट, बिकॉज आपके साथ कोई अगर खेलता है ठीक है और वो अचानक से गायब हो जाए तो आपको पता चलेगा राइट। अच्छा तो ये हुआ। उसके बाद अराउंड 6 मंथ्स ऑफ दिस इंसिडेंट एक 8 महीने की बच्ची ऑफ द सेम फैमिली वेंट मिसिंग एज द लास्ट वन एंड दिस वाज रिपोर्टेड ईदर। द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी ऑब्वियसली स्कैर्ड क्योंकि एक ही फैमिली से 2 बच्चे गायब हो चुके थे, दैट टू विद इन मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स उस गांव में और कुछ नहीं हुआ, बट 3 महीने बाद 2007 उसी गांव में जिस फैमिली के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उनके बगल में चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहती थी अपनी सिर्फ 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ। एक दिन वो उसके साथ पास के प्राइमरी स्कूल में खेल रही थी और उन्हें कुछ काम याद आया। वो उस काम को करने के लिए वापस गई और उन्होंने अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया प्राइमरी स्कूल में सोने के लिए। लेकिन जब वो काम करके वापस आई तो उन्हें अपनी बेटी कहीं नहीं मिल रही थी। ढूंढने पर पूरा गाँव उन्हें कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं पता कि खुशबू गई कहाँ। एंड में थक हार के शी फाइनली वेंट टू द पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट फाइल कराई। और माइंड यू दिस इज द फर्स्ट टाइम इस पूरे केस में जब रिपोर्ट फाइल हुई है पुलिस स्टेशन में और ये पूरा इंसिडेंट पुलिस की नजरों में आया है। तो ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। वो जाते ही सबसे पूछताछ कर लेगी कि खुशबू का कुछ पता चले, बट सैडली खुशबू के बारे में कुछ पता नहीं चला। किसी को नहीं मालूम कि खुशबू कहाँ है, क्या हुआ उसका। बट वेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चला कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। तो देर आर टोटल ऑफ 3 मिसिंग केसेस ऑफ दिस विलेज। वो पहुंच गए उस फैमिली के पास पूछने के लिए कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि ये आपके 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और क्या आपको खुशबू के बारे में कुछ पता है। आफ्टर सम क्वेश्चनिंग द फैमिली कॉल्स देयर 8-year-old सन अमरजीत और पुलिस को कहती है कि अगर खुशबू के बारे में कुछ पता होगा तो इसे बताओ। एंड लाइक यू ऑल द पुलिस वाज वेरी कंफ्यूज एंड शॉक्ड कि महज 8 साल के बच्चे को क्या पता होगा उस बच्ची के बारे में। बट फिर भी पुलिस टुक द चांस कि कहीं कुछ हिंट मिल जाए एंड आस्क अमरजीत कि अगर उसे कुछ पता है तो बता दे। उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि आपको पता है खुशबू किधर है। उस सवाल से अमरजीत हंसने लग गया हर बार पूछने पर कि आपको पता है कि वो कहाँ है। वो हंसने लगता था बिना जवाब दिए। फिर एक बार पूछने के बाद उसने कहा कि चल ठीक है मैं बता दूंगा, बट आप मुझे बिस्किट दो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो पुलिस सोची कि ठीक है दे माइट गेट अ क्लू, सो दे गेव द बिस्किट टू हिम क्योंकि उनके पास कुछ हारने को था नहीं। तो जब दे दिया तो अब पूछा उससे कि चल बता खुशबू किधर है। उसने खाते हुए हंसते हुए बोला कि मैंने उसे मार के सुला दिया। लाइक यू एंड मी पुलिस भी बहुत शॉक थी कि ये क्या बोल रहा है। बट उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तूने उसे सुलाया है तो कहाँ सुलाया था। जिसमें अमरजीत कहता है कि आओ दिखाता हूँ। और फिर वो पुलिस को उस प्राइमरी स्कूल के पास वाले एक फील्ड में ले जाता है जो बहुत सुनसान थी और इशारा करता है कि उधर है। पुलिस जब जाती है और झाड़ियों के पीछे देखती है और कुछ खोदती है तो उन्हें खुशबू की लाश मिलती है। पुलिस शॉक्ड थी कि एक शायद 8 साल के बच्चे ने एक 6 महीने की बच्ची का खून कर दिया है। एंड द वे ही वाज लाफिंग एंड टॉकिंग फियर्सली इट वाज ऑब्वियस कि उसे नहीं पता उसने क्या किया एंड हाउ सीरियस इट वाज। पुलिस ने पूछा कि चल ये बता कि तूने मारा उसे कैसे। तो वो कहता है कि उसने उसे उठाया, उसे खेत के पास लाया, देन ही चोक्ड हर थ्रोट एंड देन हिट हर विद अ ब्रिक और फिर गड्ढे में फेंक के भाग गया। फिर पुलिस को याद आया कि 2 और मिसिंग केसेस थे तो उन्होंने उससे पूछा कि
और किसी को मारा है तूने, और या फिर उसके लैंग्वेज में और किसी को सुलाया है तूने? तो वो हंसने लगा फिर से, और फिर कहता है कि बिस्किट की एक और पैकेट दो तो बताओ। पुलिस ने वही किया, एक और बिस्किट की पैकेट लाया गया और उसे दिया गया। तो ही टुक द नेम ऑफ द टू मिसिंग चिल्ड्रेन, जो उसके खुद के कजिन। तो अमरजीत किल्ड टोटल ऑफ 3 चिल्ड्रेन इन स्पैन ऑफ 9 months, एंड ही वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन ऑल दिस हैपेंड। व्हेन पुलिस आस्क्ड हिज फैमिली अबाउट ऑल दिस, दे सेड कि अमरजीत ने अपने सबसे पहले अपने चाचा की 6 साल की बेटी का मर्डर किया, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे उसने खुशबू का किया था। उस टाइम ही वाज 7, सो ही डिड हिज फर्स्ट मर्डर व्हेन ही वाज 7। तो फैमिली को उस टाइम तो लगा कि लड़ाई हो गई होगी और गलती से उससे ये हो गया होगा, तो इसे उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं और छोड़ दिया। बट उसके 6 महीने बाद ही अमरजीत ने अपनी 8 महीने की खुद की बहन को भी मार डाला। उसके बाद उनके उसके पेरेंट्स ने बहुत मारा, जिसके बाद अमरजीत ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो ऐसा आज के बाद कुछ नहीं करेगा। बट एज वी ऑल नो, दिस कुडंट हैव बीन फादर फॉर द ट्रूथ। सॉरी। सवाल ये आता है कि अमरजीत ने ये सब किया क्यों, जिसका जवाब पुलिस और हमें दोनों को चाहिए था। तो उन्होंने अमरजीत से पूछा कि तूने ये सब किया क्यों, तो उसने एज यूजुअल बिना डर के बोला कि मुझे उन्हें दर्द में देख के मजा आता था, मुझे सुकून मिलता था। तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि अमरजीत कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, और उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ना तो उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या किया है और ना ही उसे ये चीज गलत लग रही थी। तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वाज रॉन्ग विद हिम। और उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में ये लिखा कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की दिमागी बीमारी है, व्हिच इज अ की टू हिज सैडिस्टिक बिहेवियर। उसे किसी को भी तकलीफ में और दर्द में देखना अच्छा लगता था। ही हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज डूइंग रॉन्ग, और ही एक्चुअली थॉट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट ही वाज डूइंग। As he was just 8 year old, he couldn't have been sent to the prison with the other notorious killers. इसलिए ये डिसाइड हुआ कि उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और देखा जाएगा कि वो बेटर हो सकता है या नहीं। तो he was sent to the बाल सुधार गृह in Mugen district of Bihar. अब सवाल ये आता है कि अमरजीत का क्या हुआ और अब वो कहाँ है? तो मुंगेर भेजने के बाद उसकी कोई भी इन्फो डिस्क्लोज नहीं की गई है पब्लिक, तो किसी को भी नहीं पता अभी अमरजीत कहाँ। उसके जन्म के हिसाब से 2016 में ही शुड हैव बीन लेट गो अलोंग विद अ न्यू आइडेंटिटी एंड अ होप दैट इज अ बेटर एंड मोर स्टेबल मैन। लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, किसी को नहीं पता और शायद कभी मालूम पड़ेगा भी नहीं। वी कैन जस्ट होप दैट ही इज बेटर एंड ही इज नॉट डूइंग व्हाट ही डिड ऑल दोस इयर्स अगो। This whole thing made Amarjeet Sada most probably the youngest serial killer ever this whole world even, जिसने महज 7 साल की उम्र में अपना पहला खून किया था। While Amarjeet was obviously not in his right mind and he needed help, the family was at fault here too. Even after what happened, twice they didn't report him or take any action to mend his ways. But can we really blame them though? Because after all, he was their son. My prayer goes to the family and friends of the victims, and I hope they are better now. And I also hope कि अमरजीत अब जहां भी हो ठीक हो, and he's working on himself to be a better man overall. So this was it for the video. I hope you liked it. Video को like करें, share करें, और चैनल को subscribe कर लें. And this is Mithya signing off. Bye.